आपने बचपन में मैथ्स तो पढ़े ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैथ आपको बचपन में पढ़ाया गया वह आपको गलत समझाया गया, तब आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि आप बचपन से अब तक कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, और वो भी बिना किसी गलती के, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो मैथ हमें बचपन में पढ़ाई गई उसकी समझ सही नहीं है। अगर गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि जो मैथ हमने बचपन में सीखा वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। भारत से जो मैथ विदेशी स्कॉलर्स ने कॉपी किया उसमें वे बहुत सी बारीकियां समझ ही नहीं पाए। एक विदेशी रिसर्चर ने अपने रिसर्च से यह प्रूफ किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि विदेशियों ने भारत के मैथ को कॉपी किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां उन्होंने इसमें छोड़ दी। यह कमियां क्या है यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को टच जरूर कर दें, ताकि ज्ञान और विज्ञान से भरे हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैथमेटिशियन जोनाथन जे क्रैबरी ने भारतीय वैदिक गणित और मैथ्स की हिस्ट्री पर अध्ययन करने के बाद पाया कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भारतीय मैथ्स को कॉपी करके उसे नए रूप से दुनिया के सामने रखा, लेकिन बहुत से डीप लॉजिक्स को वो समझ नहीं पाए, और इस कारण आज जो मैथ्स हम पढ़ते हैं वह पूरी तरह से गलत बेस पर आधारित है। जीरो, मल्टीप्लिकेशन और निगेटिव नंबर्स के कॉन्सेप्ट को वह पूरी तरह से नहीं समझ पाए, जिसका नतीजा आज हम इन्हें ठीक रूप से समझ नहीं सके। और जहां हमें अपना भारतीय गणित पढ़ना चाहिए था जो पूरी तरह से परफेक्ट है, हम उसे ना पढ़कर उसका ही बिगड़ा हुआ रूप पढ़ रहे हैं। न केवल हमने मैथ्स के इस इम्परफेक्ट रूप को पढ़ा, बल्कि आज हमारे बच्चे भी गलत जानकारी पढ़ रहे हैं। जोनाथन ने भारत में हाल ही में एक मिशन शुरू किया है, जिसमें वो भारत के आगामी पीढ़ियों को ब्रह्मगुप्त की प्राचीन गणित पढ़ाना चाहते हैं। अभी तक जोनाथन हजारों बच्चों को ब्रह्मगुप्त का गणित पढ़ा चुके हैं और लगातार अपने इस मिशन को भारतीय जनता के बीच पब्लिसिटी कर रहे हैं। हमने जो अब तक मैथ पढ़ा है वह यूक्लिडियन अरिथमेटिक है, जिसमें बहुत सी कमियां हैं। वेस्टर्न मैथमेटिशियन ने भारतीय गणित को अधूरा समझकर उसे यूक्लिडियन मैथ के साथ मिलाकर दुनिया के सामने रखा, जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट गलत प्रोजेक्ट किए गए, जिसके कारण मैथ का वास्तविक दुनिया से संबंध टूट जाता है, जबकि हमारा भारतीय गणित पूरी तरह से रियलिटी पर आधारित है, और इस तरह यह वेस्टर्न गणित से कहीं ज़्यादा सुपीरियर और परफेक्ट है। भारत में गणित का विकास 5वीं सदी तक हो चुका था। यह वह वक्त था जब यूरोपीय लोग अपनी सभ्यता के प्रथम चरण में ही थे। तब तक भारत में प्राचीन मैथमेटिशियन जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने बेसिक मैथ से लेकर ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस जैसे कठिन सब्जेक्ट भी विकसित कर लिए थे। भारत की विकसित गणित अरब से होते हुए यूरोप पहुंची। अरब के स्कॉलर अल ख्वारिज्मी ने भारत से पहुंची ब्रह्मगुप्त की गणित को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया। ब्रह्मगुप्त ने 5 श्लोकों में गणित के 18 सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, लेकिन ट्रांसलेट करते समय अल ख्वारिज्मी इसे ठीक रूप से समझ न सके और उन्होंने इसे गलत ट्रांसलेट कर लिया, जिसके कारण 1 को कोई नंबर ही नहीं समझा जाता है और 0 को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। जब अरब से होकर भारतीय गणित यूरोप पहुंची तो वे भी 0 के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सके और उन्होंने 0 को केवल एक प्लेस होल्डर के तौर पर यूज किया। अगर वो 0 को ठीक रूप से समझ पाते तब उन्हें पता चलता कि मल्टीप्लिकेशन में 0 का बहुत यूज होता है। यूरोप के मैथमेटिशियन ने यूक्लिड और भारत के मैथ्स को मिलाकर दुनिया के सामने रखा, लेकिन उन्होंने निगेटिव नंबर के कॉन्सेप्ट को भी गलत समझा। मजे की बात यह रही कि भारतीय गणित को कॉपी करने की हजारों वर्ष बाद भी वे ब्रह्मगुप्त के बातों को आज तक नहीं समझ सके। ब्रह्मगुप्त के लगभग 1000 वर्ष बाद मैथ्स की पहली किताब पब्लिश की गई, जिसमें नंबर्स को 2 से शुरू किया गया, और आज जो मैथ आप और आपकी पीढ़ियां पढ़ रही है वह भारतीय गणित का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जोनाथन ने अपने रिसर्च में यह दावा किया है कि ब्रह्मगुप्त के गणित को गलत समझा गया है, जिसके कारण 0, निगेटिव नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को स्कॉलर्स आज तक ठीक रूप से नहीं समझ पाए।
सबसे पहले हम जीरो को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मगुप्त जीरो को सम एकियम खम कहते हैं, जिसका अर्थ है जहां पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स एक बराबर हों वह जीरो है। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से घटाने पर जो संख्या आए वह जीरो है। एनी नंबर डेट इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्सेल्फ इज जीरो। इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर संख्या पॉजिटिव क्यों हो जाती है। ब्रह्मगुप्त ने हमें बताया कि जीरो केवल प्लेस होल्डर नहीं है बल्कि यह मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होता है। मॉडर्न मैथ्स में अगर हम देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को एक लाइन के जरिए समझा जाता है। जहां जो नंबर्स जीरो के नीचे होते हैं उसे नेगेटिव नंबर्स माना जाता है। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर्स की डिफिनेशन अलग तरह से दी है। ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को एक दूसरे के विपरीत माना है। उदाहरण के लिए, अगर रेगिस्तान में बने रेत के टीले की ऊंचाई पॉजिटिव नंबर माना जाए तो उतना ही गहरा गड्ढा नेगेटिव नंबर माना जाएगा। इसका मतलब कि नेगेटिव नंबर्स की अस्तित्व वास्तविक दुनिया में भी है, जैसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठंडा और गर्म, एक दूसरे के विपरीत फोर्सेस। ये सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के एग्जाम्पल हैं। मॉडर्न मैथ में नेगेटिव 1 नेगेटिव 5 से बड़ा नंबर माना जाता है, जबकि ब्रह्मगुप्त के गणित में नेगेटिव 1 नेगेटिव 5 नंबर से छोटा माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गड्ढा 1 मीटर गहरा है तो वह 5 मीटर गहरे गड्ढा से छोटा होगा। मल्टीप्लिकेशन में मॉडर्न मैथ कहती है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है। इसका मतलब 2 × 2 = 2 + 2। लेकिन यह डिफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हम इसी डिफिनेशन को -2 × -2 पर अप्लाई करेंगे तो हम उलझ कर रह जाएंगे और इसे ठीक तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जबकि ब्रह्मगुप्त इसे कहते हैं कि 2 × 2 का अर्थ होता है कि 2 को 0 में 2 बार जोड़ा जाए। अब इसी डिफिनेशन को हम -2 × -2 पर अप्लाई करें तो यह बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि तब इसका अर्थ होगा कि हम 2 को 0 से 2 बार घटा रहे हैं और इस तरह इसका आंसर पॉजिटिव 4 ही होगा। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन में 0 का यूज होता है। ब्रह्मगुप्त के 0 के कॉन्सेप्ट से नेगेटिव × नेगेटिव आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पूरी तरह से बैलेंस रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पॉजिटिव × पॉजिटिव = पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव × नेगेटिव यह कहकर पॉजिटिव एडेड हो जाएगा, लेकिन इसे पॉजिटिव × पॉजिटिव ना कहकर पॉजिटिव एडेड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस्ड है उसमें अगर पॉजिटिव ऐड कर दिया जाए तो वह पॉजिटिव डोमिनेंट हो जाएगा, जिस कारण आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह से पॉजिटिव × नेगेटिव को पॉजिटिव सब्सट्रैक्ट कहा जाएगा। अब अगर 0 में से पॉजिटिव को घटाया जाएगा तो नेगेटिव डोमिनेंट होगा और आंसर नेगेटिव कहलाएगा। नेगेटिव × पॉजिटिव को नेगेटिव एडेड कहा जाएगा, क्योंकि 0 में नेगेटिव ऐड करने पर फिर से नेगेटिव डोमिनेंट होगा और आंसर नेगेटिव आएगा। इसी तरह से नेगेटिव × नेगेटिव को नेगेटिव सब्सट्रैक्ट कहा जाएगा। इसका मतलब 0 में से नेगेटिव को घटाएंगे तो पॉजिटिव डोमिनेंट हो जाएगा और आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ये सभी लॉजिक ब्रह्मगुप्त ने बताए थे और वेस्टर्न स्कॉलर्स इसे समझ नहीं सके और उन्होंने गलत तरीके से इन्हें दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। जनाथन भारतीय बच्चे को मैथ सिखाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह मैथ को रियल वर्ल्ड से जोड़कर समझा सकें और कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी उसके फोटोजेनिक मेमोरी में बहुत ही लंबे समय के लिए सेव हो जाता है। और भारत सरकार से इस शोध में सहायता मांगी है ताकि भारत की ही धरोहर इस वैदिक गणित को पूरे भारत में पढ़ाया जा सके। यदि आप इनके शोध के महत्व को समझे तो इनके पेटिशन को साइन आप जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको अगले वीडियो में दे सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।